राजस्थान सरकार की ओर से चलाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अजमेर जिला पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस की ओर से थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े के तहत थाना क्षेत्र में जो फुटकर सब्जी विक्रेता है वह मिनी सब्जी मंडी लगाकर बैठे हैं, उन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और इनके साथ ही जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर भी कार्यवाही कर चालान काटे जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने आम जनता से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, वरना उन पर कार्यवाही कर चालान भी काटे जाएंगे और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जाएगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए थाना कृष्णगंज द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो ठेले आसपास लगे रहते हैं और लगभग झुंड में आ जाते हैं, लगभग 10-15 ठेले एक साथ हो जाते हैं और वो छोटी सब्जी मंडी का रूप ले लेते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आपको यदि सब्जी खरीदनी है, दूध लेना है, डेयरी पर जाना है तो आप पैदल जाएँ, आसपास की दुकानों से लेना। लगातार कई बार ये देखने में आया है कि लोग सब्जी खरीदते हैं तो अपनी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, फिर बताते हैं हमें कि हम पास की दुकान से आएँ, जो कि जायज़ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अपनी जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें ही बताया गया है कि आसपास की दुकान से लें और पैदल जाकर के लें। इस तरह से लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और जिसका जेन्युइन कारण है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसको बिल्कुल हम रियायत दे रहे हैं और जाने दे रहे हैं।